फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये दो कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखें, ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में भी अप्लाई कर सकते हो और लेडीज कार्डिगन में भी और बच्चों की स्वेटर में भी आप इसे मल्टी कलर में यूज कर सकते हैं। बच्चों की स्वेटर में आप इसे मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही ईजी है बनाना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना है और इसके अलावा हमें 2 फंदे अपने एज के लिए लेने हैं दोनों साइड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट कलर से बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक दो लाइन का बॉर्डर बना रखा है। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद डिजाइन शुरू होगा हमारा। तो जब बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद राइट साइड से फर्स्ट रो है हमारी और हम अपना इसमें सेकंड कलर अपना ऐड करेंगे। देखिए, बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद ये फर्स्ट रो है हमारी राइट साइड से और इसमें हम अपना सेकंड कलर ऐड कर रहे हैं। ये सेकंड कलर से हम ये वाली पूरी रो सीधा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसको हम ऐसे पूरा सीधा बिनेंगे जैसे हम नॉर्मल सीधा बिनते हैं वैसे ही। अभी हमारी सेकंड रो है रॉन्ग साइड से, ये हम नॉर्मल जैसे उल्टा बिनते हैं वैसे ही बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। पूरी रो हम ऐसे ही उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम अपनी थर्ड रो में है राइट साइड से, ये भी हम पूरी सीधी बिनते हुए ही कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये रो भी हम पूरा ऐसे सीधा बिनेंगे, नॉर्मल जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे ही इसको सीधा बिनते बिनते कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी फोर्थ रो है रॉन्ग साइड से, ये भी हम पूरा उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करेंगे। जैसे हम नॉर्मल उल्टा बिनते हैं वैसे ही इसको पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने सेकेंड कलर से अपनी 2 रो सीधी बिनी है और 2 रो उल्टी बिनी है। तो ये 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई है अपनी सेकेंड कलर से। अब हम अपना फर्स्ट कलर दोबारा से ऐड करेंगे जिसे हमने बॉर्डर बनाया होगा। तो ये देखिए, ये हमारी एज स्टिच है, ये हमारी एज स्टिच है पहली वाली। उसके बाद हम एक फंदा सीधा बिनेंगे और ये एक फंदा छोड़ के ये जो सेकंड वाला फंदा है उसको देखिए 1 2 3 ये थर्ड, ये देखिए यहां से ये 1 2 3 इसके अंदर से ऐसे सिलाई डाल के ऐसे करके एक नया फंदा बनाएंगे इस तरीके से। इसको हम इस ऐसे करके इसमें चढ़ाएंगे लेफ्ट वाले नीडल में अपने और उसके बाद इसके अंदर से या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इसको हमने राइट नीडल में चढ़ाया अपनी, फिर बाकी के 3 फंदे भी हमने ऐसे राइट नीडल में चढ़ाए और इसके ऊपर से ऐसे ऐसे निकाल देंगे तीनों फंदों के ऊपर से और इसको टाइट कर देंगे पीछे से थोड़ा सा, ऐसे आएगा ये। उसके बाद इन तीनों फंदों को हम बिनेंगे नहीं, उसके बाद ये जो एक आगे का फंदा है उसको हम ऐसे सीधा बिन लेंगे। उसके बाद फिर वही करना है, इस फंदे को छोड़ के ये जो मिडिल वाला फंदा है, इन 3 फंदों की बिनाई है ये, तो जो ये मिडिल वाला फंदा है उसमें 1 2 3 थर्ड वाले स्टिच में नीचे से ऐसे करके नया फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर इसको अपनी लेफ्ट नीडल में डाला ऐसे और फिर इन जो नया फंदा है उसको और बाकी के 3 फंदों को अपनी राइट नीडल में वापस चढ़ाएंगे और ये जो एक धागा है ये देखिए, इसको हम जो नया फंदा बनाया था हमने उसका है, इसको हम इन तीनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे और इसको थोड़ा टाइट से कर लेंगे। फिर एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि हमें ये 3 फंदे अब छोड़ देने हैं, बिने नहीं है इस वाली सिलाई में। उसके बाद फिर वही करना है हमें, ये 3 फंदे आगे के हैं उसमें से मिडिल वाले स्टिच में को 1 2 3 थर्ड वाले नीचे से थर्ड वाले स्टिच में ऐसे डालेंगे फंदे को सिलाई को और एक नया फंदा बनाएंगे। उसके बाद ऐसे उतारा इसको, फिर ये नए वाले फंदे को 1 2 3 इनको
को उतारा, फिर इसको इन तीनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल दिया और इसको थोड़ा टाइट कर दिया। फिर धागे को ऐसे करेंगे, फिर ये एक फंदा सीधा बिन लेंगे। ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे बिनते हुए। ये देखिए ऐसे ही करते हुए हम एंड में पहुंच गए अपने। अब हम ये तीन फंदे हमने ऐसे ही निकाले, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बिनेंगे और ये एज स्टिच है हमारी, इसको भी हम सीधा बिन लेंगे। ये एज स्टिच है हमारी, इसको हमने ऐसे ही निकाला, उसके बाद ये एक फंदा हमने उल्टा बिना। अब जो ये तीन फंदे हमने छोड़े थे पिछली बार, उसमें से ये पहला फंदा बिनेंगे, मिडिल वाले स्टिच को फिर बिना बिना उतार लेंगे ऐसे ही, और ये लास्ट वाला फंदा इसका बिन लेंगे। फिर ये बिना, फिर देखिए ये तीन फंदे आ गए हमें, तो इसका पहला फंदा बिना, सेकंड वाले को ऐसे ही उतारा, थर्ड वाले को बिन लिया उल्टा, फिर इसको उल्टा बिना, फिर वही तीन फंदे आ गए जो बिना बिना उतारे थे हमने, उसका पहला फंदा बिना, दूसरा ऐसे ही उतारा और तीसरा फंदा बिन लेंगे, फिर ये एक फंदा उल्टा बिना, बस मिडिल वाले स्टिच को हमें बिना बिना उतारना है। ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे बिनते में। बिनेंगे हम अपने फर्स्ट कलर से ही बिनेंगे हम अपना, और इसको हम पूरा नॉर्मल जैसे सीधा बिनते हैं वैसे ही सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें सारे फंदे बिनने हैं, ये जो बिना बिना छोड़ा था इसको भी हम इससे सीधा बिन लेंगे। इस वाली रो में हम पूरे फंदे सीधे ही बिनेंगे। ये देखिए ये वाला छोड़ा था हमने, इस बार हम इसे सीधा बिन लेंगे। ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे हम। ये रॉन्ग साइड में है, 12th रो है हमारी, और ये भी पूरी उल्टा उल्टा बिनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। जैसे नॉर्मल उल्टा बिनते हैं वैसे ही पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा डिजाइन बन गया है, इस तरीके का लुक आएगा इसका। इसके बाद फिर हम अपना सेकंड कलर से चार सिलाइयां पूरी सीधी उल्टी बिनेंगे और फिर फर्स्ट कलर से अपना डिजाइन डालेंगे। ये इन्हीं 8 रो का डिजाइन है, बहुत सुंदर लगता है, देखिए इस तरीके का लुक आएगा इसका। Thank you.